हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं इंजीनियर गिरीश ठाकरे फिर एक बार स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है रॉयल सिविल इंजीनियर। तो दोस्तों, बहुत दिनों से BBS के ऊपर वीडियो बनाने का मेरा प्रयास चालू था, आपके फ़ोन भी आ रहे थे, मैसेज भी आ रहा था। आखिरकार वो दिन आ ही गया कि मैं BBS का वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। दोस्तों, कल ही मैंने BBS पे वीडियो अपलोड किया है, लेकिन वो था मराठी में। तो मैं आप सभी हिंदी भाइयों के लिए लेकर आया हूँ आज हिंदी में BBS पर वीडियो। दोस्तों, आप सभी ने यूट्यूब पे BBS के ऊपर बहुत सारे वीडियो देखे होंगे या देखने वाले भी होंगे, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आपने मेरा ये वीडियो बिना स्किप किए पूरा देखा तो आप अच्छी खासी जानकारी पा लेंगे BBS के ऊपर, जिसमें मैं आपको फार्मूला विथ एक्सप्लेनेशन बताने वाला हूँ। दोस्तों, BBS का वीडियो मुझे बहुत पहले अपलोड करना था, लेकिन मेरा यूट्यूब चैनल जस्ट क्रिएट करके 1 मंथ ही हुआ है, इसके लिए मेरे पास प्रॉपर सेटअप नहीं है। दोस्तों, एक सिविल इंजीनियर के लाइफ में बार बेंडिंग शेड्यूल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेरे कई सारे जान पहचान के फ्रेशर इंजीनियर हैं, सिविल इंजीनियर हैं, डिप्लोमा डिग्री स्टूडेंट्स जो है वो अभी इंटरव्यू का प्रिपरेशन करते हैं। तो दोस्तों, इंटरव्यू में अगर BBS आपको आता है क्या, ये सवाल आपसे पूछा जाता है। अगर नहीं, अगर आपका आंसर नहीं है तो आपका सिलेक्शन नहीं होता है। दोस्तों, ऐसा बहुत ही बार अनुभव मेरे कई दोस्तों को आया है। इसके लिए सिविल इंजीनियर को BBS का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, ये वीडियो कितना बड़ा होने वाला है मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि कम से कम लेंथी बनाते हुए आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दूँ। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो, बार बेंडिंग शेड्यूल। तो दोस्तों, व्हाट इज़ BBS? BBS मतलब बार बेंडिंग शेड्यूल। ये जितना सबको मालूम है उतना ही इम्पोर्टेंट है सबको BBS के फॉर्मूले और डिटेल्स में जानकारी लेना। तो आज के वीडियो में हम लोग बार बेंडिंग शेड्यूल की डिटेल्स में विथ फार्मूला विथ एक्सप्लेनेशन जानकारी लेंगे। चलते हैं अगली स्लाइड में। BBS का डेफिनेशन बताऊंगा आपको। कैलकुलेशन ऑफ द टोटल स्टील रिक्वायर फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग, मतलब एक बिल्डिंग में जितने भी स्टील की रिक्वायरमेंट होती है उसका कैलकुलेशन बिठाना, उसको बार बेंडिंग शेड्यूल बोलते हैं। आप जिस भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं या जिस बिल्डिंग का काम कर रहे हैं उसमें आपको रिइंफोर्समेंट स्टील की जो कैलकुलेशन बिठानी पड़ेगी उसको BBS कहते हैं। BBS का फॉर्मेट होता है दोस्तों, आपको गूगल पे मिल जाएगा। अगर आप साइट पे काम कर रहे हैं तो वहाँ ऑलरेडी बना होगा। तो उस फॉर्मेट में क्या क्या आते हैं ये हम देखेंगे अभी। इन BBS, बार मार्क, बार्क शेप, डायमीटर ऑफ कटिंग लेंथ, नंबर ऑफ बार्स, स्पेसिंग, यूनिट वेट, बार वेट, टोटल वेट एक्सेट्रा रिक्वायरमेंट होती है। तो मतलब एक बार बेंडिंग शेड्यूल का फॉर्मेट में ये सब चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए, इसका डाटा आपके पास होना चाहिए, तभी आप बार बेंडिंग शेड्यूल प्रिपेयर कर पाएंगे। चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। तो आगे मैं बताऊंगा दोस्तों आपको बार बेंडिंग शेड्यूल बनाते वक्त कौन से IS कोड का रेफरेंस लेना है, या कौन से IS कोड की मदद से आप बार बेंडिंग शेड्यूल बनाने में मास्टर हो जाएंगे। सबसे पहले IS 456-2000, बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें माइक्रो लेवल की जानकारी दी है। IS 2502-1963, इसमें कटिंग और बेंडिंग का बहुत अच्छे से नॉलेज दिया हुआ है दोस्तों। और IS 5525-1969, ये तीनों IS कोड अगर एक बार आप रीड कर लेंगे बारीक से तो आपको बार बेंडिंग शेड्यूल बनाने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। इसमें जो नॉलेज दिया है IS कोड में, जो हमको बताया गया है, उसका आपको फ़ायदा होगा बार बेंडिंग शेड्यूल बनाने में। आगे मैं आपको बताऊंगा यूनिट वेट ऑफ स्टील रॉड। तो दोस्तों, 8 mm से लेके 32 mm तक का मैंने यूनिट वेट ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ है। तो आपको ये बाय हार्ट करना पड़ेगा चार्ट, ऐसे ही बाय हार्ट नहीं करना है। आगे की स्लाइड में आपको ये मैं बताऊंगा कि 8 mm का स्टील 0.12 kg पर फीट कैसे आया, या 8 mm का स्टील 0.395 kg पर मीटर कैसे आया। तो इसका भी फॉर्मूला है, उसको मैं आपको अगले स्लाइड में क्लियर करूँगा। तब तक आपको ये जानना है कि ये यूनिट वेट आपको बार बेंडिंग शेड्यूल बनाते वक्त
बहुत काम में आते हैं, आपको ये बाय हार्ट हो जाएंगे जब आप ज़्यादा प्रैक्टिस भी करेंगे। तो ये फार्मूला क्या है मैं अभी आपको बताता हूँ। फार्मूला फॉर स्टील बार पर केजी फीट, अगर आपको एक फीट किसी भी डाया का बार है उसका एक फीट लेंथ का बार जो है उसका केजी निकालना है, किलोग्राम निकालना है, उसका वेट निकालना है, तो आपको डी स्क्वायर अपॉन 533, मतलब आसान भाषा में डाया इंटू डाया डिवाइड बाई 533 करेंगे तो आपको बार का लेंथ मिल जाएगा केजी पर फीट। वैसा ही फार्मूला आपको मीटर में निकालने के लिए, फार्मूला फॉर स्टील बार पर केजी पर मीटर, डी स्क्वायर अपॉन 162, सिंपल लैंग्वेज में डाया इंटू डाया डिवाइड बाई 162 करेंगे तो आपको बार की लेंथ मिल जाएगी पर केजी मीटर। मतलब एक मीटर का अगर आपने 8 mm का बार लिया है उसको डाया इंटू डाया 8 × 8 करेंगे और उसको डिवाइड करेंगे 162 से तो आपको 0.395 आंसर आ जाएगा। मतलब एक मीटर लेंथ का बार का वेट है 0.395, फिर आप उसको मल्टीपल कर सकते हैं एक सलिया जो 12 मीटर का होता है। चलते हैं अगली स्लाइड पे। अगली स्लाइड पे मैंने आपको ये बताया कि ये केजी पर फीट और केजी पर मीटर का फार्मूला कहाँ से आया। तो दोस्तों यूनिट वेट ऑफ बार अगर आपको निकालना है तो उसका फार्मूला है वॉल्यूम ऑफ स्टील डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ स्टील। ये फार्मूला से आपको बार का वेट मालूम हो जाता है। आगे मैं आपको एक इम्पोर्टेंट नोट बताता हूँ। द लेंथ ऑफ बार इज इंक्रीज व्हेन बेंड्स और हुक्स आर इंट्रोड्यूस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इंटरव्यू में भी पूछा जाता है और आपको ये प्रैक्टिकली जब BBS का आप बनाते हैं तब आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जब भी कोई भी बार होने दीजिए किसी भी डाया का, जब वो बार बेंड होता है 45 डिग्री में होने दीजिए, 90 डिग्री में होने दीजिए, या 135 डिग्री में होने दीजिए, या 180 डिग्री में होने दीजिए, तो कोई भी बार जब भी बेंड होता है या जब भी हम लोग हुक बनाते हैं तो उसका इलोंगिनेशन होता है। इलोंगिनेशन क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि स्टील एक टेंशन मेंबर है, तो जब भी आप बेंड करेंगे किसी रॉड को तो उसका लेंथ बढ़ता है, तो आपको एक्चुअल जब भी कटिंग लेंथ चाहिए होती है तब आपको वो डिडक्शन करने होते हैं। तो कैसे डिडक्शन करने हैं वो भी मैं आपको आगे की स्लाइड में बताऊँगा। अब देखते हैं दोस्तों कटिंग लेंथ। कटिंग लेंथ ऑफ मेन बार विथ हुक, जब भी कोई बार को हुक है तो आपको उसकी कटिंग लेंथ कैसे निकालनी है। तो यहाँ पे आपको समझना है कि लेंथ ऑफ हुक हमेशा 9D रहती है, जहाँ पे D का मतलब है डाया। तो हुक अगर कहीं पे आपको दिखता है तो आपको D समझ में आना चाहिए, 9D ध्यान में रखना है। ये देखिए दोस्तों, मैंने एक इमेज मेरे स्लाइड के ऊपर लाई है। तो ये हुक है, तो नीचे L है, मतलब उसका लेंथ दिया हुआ है, मान लीजिए 1 meter का लेंथ है उसका, और दोनों हुक की लेंथ क्या मैंने बताई थी 90 90। तो लेंथ ऑफ बार अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, लेंथ प्लस 90 प्लस 90, दो बार 90 इसके लिए क्योंकि दो बार हुक है, दोनों जगह पे हुक है। अगर एक ही बार हुक रहता, एक ही जगह पे हुक रहता तो लेंथ प्लस 90, तो 9 × D करना है दोस्तों, डाया करना है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये स्लाइड से मैंने हुक अच्छे तरह से समझाया है। आगे हम बताएंगे आपको कि बेंड डिडक्शन कैसे होते हैं और कौन से फॉर्मूले के हैं उनके। तो दोस्तों बेंड डिडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। फॉर 45 डिग्री बेंड को 1D डिडक्शन होता है, फॉर 90 डिग्री बेंड को 2D डिडक्शन होता है, फॉर 135 डिग्री बेंड को 3D डिडक्शन होता है, और फॉर 180 डिग्री बेंड को 4D डिडक्शन होता है। इसका मतलब जहाँ पे भी बेंड्स आएंगे वहाँ आपको डिडक्शन करना है। ये आगे मैं आपको स्लाइड से डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, एक बार है जो 45 डिग्री में बेंड हुआ है तो वहाँ पे आपको डिडक्शन करना है 1D, 1 × डाया, क्योंकि दोस्तों जब भी बार बेंड होता है तो इलोंगिनेशन बढ़ता है, जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था। तो इलोंगिनेशन होने की वजह से बार का लेंथ इंक्रीज होता है, तो अगर बार का लेंथ इंक्रीज होता है तो हमको एक्चुअल लेंथ के लिए ये डिडक्शन करना पड़ेगा, नहीं तो आपका बार, आप डिडक्शन नहीं करेंगे तो आपका बार की लेंथ ज़्यादा हो जाएगी।
आगे मैं आपको दिखाता हूँ 90 डिग्री। 90 डिग्री का आपको ज़्यादातर यूज़ होता है क्योंकि अब यल हमेशा यूज़ होता है कॉलम में, फुटिंग में, बीम में। तो ये यल 90 डिग्री का जो यल है वहाँ पे आपको 2D डिडक्शन करना होता है। तो जहाँ पे भी आपका यल है वहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि बार की जो लेंथ है उसमें 2D माइनस होगा। ये देखिए दोस्तों, ये 135 डिग्री का बार है, तो वहाँ पे आपको 3D माइनस करना है। और ये बार जो है वो 180 में घुमा हुआ है, तो यहाँ पे आपको 4D माइनस करना है दोस्तों। तो बेंड डिडक्शन ध्यान में रखिए। आगे मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा हाउ टू नो नंबर ऑफ बार्स इन स्लैब। तो जब भी आपको बार्स नंबर ऑफ बार्स मालूम पड़ेंगे तभी आप उसका यूनिट वेट निकाल पाएंगे। तो पहले आपको नंबर ऑफ बार्स कैसे निकालने हैं वो समझना पड़ेगा। तो उसका फॉर्मूला है लेंथ डिवाइड बाय स्पेसिंग प्लस 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ बार्स। एग्जांपल कि अगर 6 मीटर 800 का लेंथ है स्लैब का और स्पेसिंग 150 की दी है। यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, 6 मीटर 800 ऊपर लिखा है मैंने और नीचे 6 मीटर है। तो 6 मीटर का स्लैब है अगर आपका और स्पेसिंग 150 की है तो आपको क्या करना है, 6 मीटर डिवाइड बाय 150 इज इक्वल टू 40 प्लस 1, मतलब आपको 41 बार्स लगेंगे। तो उसके हिसाब से आप यूनिट वेट निकाल सकते हैं। तो ये बात ध्यान में रखना है, प्लस 1 हमेशा रखना है। नेक्स्ट है हाउ टू नो नंबर ऑफ स्टीरअप्स इन बीम। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। स्टीरअप्स का आप BBS बनाएंगे, कटिंग लेंथ आपको तो मिलेगी लेकिन नंबर ऑफ बार्स कितने हैं, कितनी स्टीरअप्स की आपको BBS बनाने का है वो आपको समझने के लिए फॉर्मूला है लेंथ ऑफ बीम डिवाइड बाय स्पेसिंग प्लस 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टीरअप्स। सेम स्लैब के जैसा है कि जैसे बीम का लेंथ है 3 मीटर और स्पेसिंग दिया है 150 mm, तो आपको क्या करना है, 3 मीटर डिवाइड बाय 150 स्पेसिंग कर दिया आपने तो इज इक्वल टू है 20 प्लस 1, तो 21 स्टीरअप्स आपको रिक्वायर्ड है बीम में। तो उसी हिसाब से आपको BBS बनाना है। प्लस 1 करना कभी भूलना नहीं है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह निकाल सकते हैं। आगे मैं बताऊंगा आपको कि हाउ टू नो नंबर ऑफ टाइज इन कॉलम। तो कॉलम में जो रिंग्स होती है उसका जो स्पेसिंग दिया होता है तो हमको नंबर ऑफ स्टीरअप्स कैसे निकालना है, नंबर ऑफ बार्स कैसे निकालना है। तो हाइट ऑफ कॉलम डिवाइड बाय स्पेसिंग प्लस 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ टाइज। मतलब आपका अगर कॉलम का हाइट है 2400 और स्पेसिंग दिया है वहाँ पर टाई का 150, तो आपको क्या करना है, 2400 डिवाइड बाय 150 इज इक्वल टू 16 प्लस 1, बराबर आपको 17 टाइज रिक्वायरमेंट है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि नंबर ऑफ बार्स कैसे निकालने हैं। आगे मैं आपको बीम का BBS कैसे निकालते हैं वो प्रैक्टिकली समझाता हूँ विथ इमेजेस। तो दोस्तों केयरफुली देखिएगा और समझने की कोशिश करिए बीम का बार बेंडिंग शेड्यूल। तो दोस्तों आज हम ये एग्जांपल लिए हैं बीम का, उसका हम BBS कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। तो दोस्तों ये एग्जांपल में 3 बार पे मार्किंग किया गया है। फर्स्ट बार आप देखेंगे तो वो है नीचे पे जहाँ पे एल गया हुआ है, उसका हमको डाया गिवन है 2 नंबर ऑफ 20 mm डाया। उस बीम का लेंथ दिया हुआ है और कॉलम जो साइड में जो बीम है 230 के वो भी हमारे पास डाटा गिवन है। तो दोस्तों फर्स्ट नंबर का बार जो यल आपको दिख रहा है उसका हम सबसे पहले निकालेंगे, उसके बाद निकालेंगे जो 2 नंबर का बार है जो टॉप में एक स्ट्रेट बार गया हुआ है उसका कटिंग लेंथ कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। और फिर लास्ट में जो 3 नंबर मार्किंग किया हुआ है 8 mm का स्टीरअप्स दिया हुआ है 180 सेंटर टू सेंटर पे, इन तीनों का मैं आपको बारी बारी कटिंग लेंथ कैसे निकालते हैं वो दिखाऊँगा विथ फॉर्मूला। तो देखते हैं दोस्तों फर्स्ट नंबर बार, तो ये है बार नंबर 1। यल दिया हुआ है हमारे पास, यल को हमने ये मार्किंग किया हुआ है और लेंथ जो है वो बी है। तो ये हमारे पास गिवन है 200 और जो लेंथ है बी वो हमारे पास है 4000, मतलब 4 मीटर। तो इसमें लेंथ हमारी टोटल क्या होगी कि 4 मीटर और दोनों तरफ जो बीम है 230 के वो 2। तो दोस्तों 4 मीटर प्लस 230 प्लस 230 उसमें से माइनस क्या होंगे, कवर होंगे। तो बीम साइड कवर यहाँ पे 40 मैंने पकड़े हैं, तो दोनों तरफ के 40-40 कवर माइनस करने के बाद अपना लेंथ मिलेगा 4 मीटर 380। तो टोटल अभी डिडक्शन इसमें कितना होगा,
कि जो एल हमारा गया हुआ है ए का, उसमें दो जगह पे 90 बैंड है, तो वहाँ पे आएगा 2 इंटू डाया इंटू नंबर ऑफ बैंड्स। दो जगह पे बैंड है इसके लिए 2 इंटू 20 हो गया, 20 अपना डाया था बार का, और 90 का 2D बैंड होता है तो वो 2 आएगा। तो टोटल कटिंग लेंथ आएगा दोस्तों अपने पास 200 200, जो एल वाला है वो प्लस 4380 माइनस जो डिडक्शन किया हमने 2 इंटू 20 इंटू 2, तो टोटल अपना कटिंग लेंथ आएगा 4 मीटर 700। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये कैसे आ गया। तो नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास ये एग्जांपल से जो सेकंड बार दिखाया है उसका बीबीएस निकलते हैं। तो दोस्तों ये स्ट्रेट बार है, इसमें ना बेंड है ना कुछ है, कुछ भी नहीं है। तो 4 मीटर का आपका लेंथ है प्लस 230 230 के दोनों तरफ के बीम हो गए। उसके बाद अपने को कवर माइनस करना है, तो जो स्ट्रेट बार है उसकी लेंथ आएगी 4 मीटर 380, नो बेंड से इसके लिए कोई डिडक्शन नहीं होगा, तो कटिंग लेंथ 4 मीटर 380 आएगी। अब ये देखिए ये बार नंबर 3 जो हमने स्टीरअप्स पे देखा था, तो उसका हमको कटिंग लेंथ निकालने का है। तो यहाँ पे गिवन हमारे पास क्या है कि 375 हमारा बीम का हाइट है, 230 हमारा बीम का विड्थ है, और डाया भी दिया हुआ है। यहाँ पे भी थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे स्टीरअप्स का डाया 10 दिया हुआ है, जबकि हमको डाया 8 प्लान एग्जांपल में दिया था। हमको प्लान 1 प्लान के हिसाब से करना है, हमको 8 mm का डाया कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे ये हमारा 230 पकड़ लिया हमने, बी है हमारा 375, तो दोनों तरफ से कवर अगर माइनस करते हैं तो हमारे पास जो आया है वो फिगर मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। तो अभी कटिंग लेंथ हमको निकालना है, तो 2A प्लस 2C, मतलब A जो दो आए थे दोनों तरफ का कवर माइनस करने के बाद, क्योंकि 230 नीचे है तो 230 ऊपर भी हमको स्टीरअप्स का लेंथ गया है, तो कवर माइनस करके अपने को 140 बचा है, प्लस 24D। तो 24D कैसे आया वो मैं आपको समझाता हूँ, तब तक आपको समझना है कि 2A प्लस 2C प्लस 24D मतलब 2 × 140 प्लस 2 × 285, फिर उसमें ऐड करना है 24 × 8 24D, मतलब 8 हमारा स्टीरअप्स है, तो हमारा कटिंग लेंथ आएगा 1042। नंबर ऑफ स्टीरअप्स का फॉर्मूला जैसे मैंने बताया था दोस्तों, 4 मीटर लंबा था अपना बीम, तो 180 का स्पेसिंग है, प्लस 1 किया तो हमको 24 नंबर ऑफ स्टीरअप्स लगेंगे, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और मैं आपको थोड़ा सा ये बीम के बारे में थोड़ा सा जल्दबाजी हुआ है, मैं आपको एक और पेज पे ये 24D कैसे आया वो एक बार क्लियर करता हूँ। तो दोस्तों उसके लिए मैंने ये स्क्वायर में एक आपको बताया कि कितने बैंड्स हुए हैं टोटल और ये 24D कैसे आया। तो देखिए दोस्तों, मैंने 1 2 3 ऐसे बार के बाजू में मार्क किया है, हाँ, और ये रेड एरो जो है वो 4 और 5 नंबर का मार्क है। तो 3 बैंड हमारे 90 डिग्री के हैं दोस्तों, जो 1 2 और 3 बार के पास दिख रहे हैं आपको, तो 3 बैंड 90 के हैं, तो 3 × 2D हो जाएंगे, और 2 बैंड हमारे हैं 135 के, जो मैंने 4 और 5 नंबर मार्किंग किया था, तो 2 बैंड जो है वो 135 के है, तो उसके लिए वो क्या हो जाएंगे, वो 2 × 3D। तो जब भी आप कैलकुलेशन करेंगे 3 × 2D प्लस 2 × 3D, तो आपको 24D आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, आप खुद अगर प्रैक्टिस करेंगे यही डाटा से तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितने बैंड्स यहाँ पे हुए हैं 90 डिग्री में और 135 डिग्री में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। बार बेंडिंग शेड्यूल एक इजी एग्जांपल लिया था मैंने ताकि आपको समझा सकूँ, आप वही डाटा देख देख के एग्जांपल शीट देख के आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद मैं पार्ट पार्ट में सेपरेट पार्ट लाऊंगा कि बीबीएस ऑन बीम, बीबीएस ऑन कॉलम, बीबीएस ऑन फुटिंग, बीबीएस ऑफ स्लैब, तो इसके पार्ट में आपको और डिटेल में देने की कोशिश करूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिए, शेयर करना ना भूलिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।